₹300 दीजिए। ₹350 पड़ेंगे। साथ में आए ना, एक बज रहा है, सर को कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, सर को पेठा खिलाइए। रात में कौन आता है सर्विस करने? नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और ये वीडियो मेरा करीब एक हफ्ते पहले का है। लवलेन जा रहे हैं हम लोग, हजरतगंज में जो लवलेन मार्केट है वहाँ पे। और वहाँ जाने का एक फ़ायदा है आपको, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ ना अमीनाबाद, लवलेन, हजरतगंज, ये सारी मार्केट ना आसपास पड़ती हैं, बहुत दूरी पर नहीं है। तो आप लोगों को एक जगह सामान पसंद में ना आए तो आप लोग और जगह ट्राई कर सकते हैं, यानी कि तीनों मार्केट में। हम लोगों ने ऐसे किया, हम लोग ना पहले अमीनाबाद गए, फिर हजरतगंज गए, वहाँ से हम लोग ना लवलेन के लिए निकल गए। सब आसपास ही है, बहुत दूरी पर नहीं है। नमस्ते भैया, पूजा जो सब मिलेंगे तुमको, पूरी फैमिली मिलेगी आपको। अच्छा। तो ये जो भैया सामने आप लोग देख रहे हैं, जिनकी अभी आपने आवाज़ सुनी, ये ना मोनी के बहुत पुराने जानने वाले भैया हैं। एक्चुअली मोनी ना इस एरिया में पहले शायद लवलेन या हजरतगंज में ही जॉब करती थी, काफ़ी साल उन्होंने जॉब की हुई है शादी से पहले, तो वो ना काफ़ी अच्छी जान पहचान है उनकी यहाँ पे कुछ लोगों से। और ये भैया जो है ना पहले बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करते थे, अभी भी डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं, सिलते भी, बहुत ज़्यादा यूनिक कपड़े सिलते हैं। और एक दो लहंगे ना पूजा ने, मोनी ने इनके बने हुए पहने भी हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है मोनी की इनकी। तो ये शॉप भी ना इनकी वहीं पे, इन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया था, शॉप नंबर भी मेंशन किया था, बट ये कि इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी ना कि इनकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, हमें ही नहीं समझ में आ रही, तो आप लोगों को तो और भी समझ में नहीं आएगी। हमने सामने से सुना था, फिर भी हमको याद नहीं है कि कहाँ पर इनकी शॉप थी। और कभी जाएंगे ना तो आप लोगों से मिलवाएंगे, यानी कि जो है सब बताएंगे अपने बारे में ये। तो आप लोग कभी जाना चाहें इनकी शॉप पर तो जा सकते, इसीलिए बोल रहे हैं। और ये देखिए लवलेन मार्केट, यहाँ टॉप वगैरह लगे हुए हैं। और लवलेन मार्केट के लिए एक चीज़ बोलेंगे हम आपसे, देखिए अमीनाबाद लवलेन मार्केट, यहाँ पे ना आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छी करने को मिल जाएगी। हम प्रीति और मोनी गए हुए थे और काफ़ी सारी शॉपिंग हमने की है, हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। और देखिए वहाँ से लौटते हुए ना अमीनाबाद की है ये, तो अमीनाबाद पे छोटे छोटे ठेले होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की भगवान जी की मूर्तियाँ और भी हैं। प्रीति देख रही थी, प्रीति एक्चुअली में ना कान्हा जी को देख रही थी, छोटे से जो कान्हा जी होते हैं जन्माष्टमी के लिए। और जन्माष्टमी हम इस वाले घर में नहीं करते हैं, मेरे इस वाले घर में नहीं होती, वो मेरे उस वाले घर में होती जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। हम ना इस घर उस घर बोलते हैं, कभी नहीं बोलते मेरा घर मम्मी पापा का घर, क्योंकि ना हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखिए गन्नू जी छोटे से बहुत प्यारे से हैं, और इन भैया ने मालूम है, इन भैया का मन था कि सूट कर लो, उन्होंने जैसे ही देखा ना हम सूट कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा दीदी आप अच्छे से दिखा दो मेरे भगवान जी सबको। और देखिए ये बुद्ध जी हैं, तो प्रीति लाएंगे एक दो खरीद के ऋषिकेश ले जाने के लिए, लाएंगे रखे हुए हैं, कभी आपको वो भी दिखाएंगे। बस अब हम लोगों की वापसी होने वाली है, और जो है शॉपिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ लिया है जो कि आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ मोनी की इंगेजमेंट हुई थी, एलोरा होटल है ये, इसलिए हमने आपको दिखाया है। यहाँ हमारी नंद जी की इंगेजमेंट हुई थी, रिंग सेरेमनी, तो बहुत अच्छा होटल है ये, देख के हम लोगों को याद आ गया। और ये एरिया है शायद, ये मोनी की जॉब वाला एरिया जो दिखा रहे हैं आपको, यहीं कहीं मोनी जॉब करती थी, सब कुछ हमने लिया हुआ है। बस अभी हम लोग घर वापस जाएंगे यहाँ से। एक्चुअली ना करीब 6 बज रहा है यहाँ पे, बहुत सारी शॉपिंग हुई हम लोगों की, लगभग पूरी शॉपिंग हो गई है प्रीति की, बहुत कुछ नहीं रह गया बाकी। और काफ़ी दूर है ये एरिया ना हमारे घर से, काफ़ी दूर है। देखिए रात हो रही है, आपको दिख रहा है 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, आते आते ना हम लोगों को करीब करीब जो है 7:45 का टाइम हो गया था। एक घंटा आपको लग जाएगा अगर आपके पास खुद का कन्वेंस नहीं है तो। गाइस अगर आपको नेल काटने की रेसिपी देखनी, देख सकते हैं आप लोग, नेल ऐसे काट सकते हैं आप लोग, रेसिपी है ये। और इधर देखिए क्या खा रही है,
मेलोडी खाओ खुद जान जाओ थी ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ये तुम लोग ऐड कर रही हो क्या? ये देखिए यहाँ पे ना नेक्स्ट डे की क्लिप है, भुट्टा छीले जा रहे हैं और ऐसे भुट्टे ना छीले आप लोग, ऐसे छिलके ना निकालें। ये देखिए भुट्टे हैं, ये दूधिया भुट्टे हैं, एकदम जो सॉफ्ट वाले दाने होते हैं जूसी वाले, वो वाले दाने हैं। और देखिए प्रीति ना इस तरह से छील रही है। हम लोगों का ना छीलने पर ज़्यादा ध्यान था, यानी कि छिलके निकालने पर ध्यान ज़्यादा था, रेसिपी बनाने पर कम था। सब ने एक एक भुट्टा अपने अपने हिसाब से छीला हुआ है। प्रीति ने तो कमल का फूल बना दिया है और कह रही थी मौसी आप बताइएगा सबको इस तरह भुट्टा छीलते हैं। अभी सामने बैठी देख रही है वो, हम वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हंस रही है। और ना ये भुट्टे जब भी भुट्टे आप लोग बनाए ना इस तरह से जैसे हम रेसिपी बनाने वाले हैं, तो बस दूधिया भुट्टे लें, यानी कि सॉफ्ट वाले जो पक जाते हैं ना, देखिए उसका टेस्ट चाहे भून के खाएंगे या उबाल के अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पे छिलके निकल गए हैं प्रीति जी के, और ना कुकर में बनाएंगे इनको। हमने ना ये वाली रेसिपी मेले में देखी थी, यानी कि खाए थे इस तरह के भुट्टे, तो हमने पूछा था भैया से। हमने कभी भी सामने से कुछ देखते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है कि शेयर करें आप लोगों के साथ, तो वो ज़रूर हम पूछ लेते हैं। अगर हिम्मत मेरी पड़ जाती है, सामने वाले के ऊपर होता है ना, वो आपसे ठीक से बात करते तो आपका मन कर जाता है बोलने का। ये देखिए यहाँ पे पानी लिया है कुकर में और एक भुट्टे के ना दो पीस किए हैं हमने, आपको दाने दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा भुट्टा है, बिल्कुल पका नहीं है, बहुत सॉफ्ट दाने इसके ना, कच्चे दाने भी इसके खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, बहुत मीठे दाने थे इसके। तो देखिए यहाँ पे जो एक के दो या तीन पीस करिए, खूब सारा पानी लीजिए कुकर में। अभी पानी को हम बढ़ाएंगे, नमक डालिए। आप लोग चाहें तो यहाँ पे मक्खन वगैरह और मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट हम ना सिर्फ नमक डालेंगे, खूब सारा पानी डालेंगे, बहुत सारे भुट्टे एक साथ उबालेंगे हम। थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए, यानी कि 5 से 7 सीटी आपको मीडियम फ्लेम पे लगानी है, या मिनट के हिसाब से देखेंगे तो 10 से 15 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है कुकर को। कुकर में उबालें या जो है भगोने वगैरह में उबालें, सब में उबल जाएंगे। देखिए ये बॉयल्ड हो गए हैं, इनको निकाल लेना, पानी के साथ मत छोड़िए, वरना पानी पानी सा हो जाता है, सब पनी कहते नहीं पनियारा खाने में कुछ, तो उस टाइप से आपको टेस्ट लगेगा। अच्छे से ये बॉयल्ड है, आपको दिख रहा है एकदम सॉफ्ट है, इनको निकाल लीजिए और इसका जो ना कोटिंग बनाएंगे इस पर लगाने के लिए, यानी कि जो है मसालों के साथ में, उससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और यम्मी सा टेस्ट हो जाएगा इसका। देखिए दाने निकाल के आपको दिखा रहे हैं, अच्छे से बॉयल्ड हो गए। एक्चुअली ना बहुत गर्म है तो हम दिखा नहीं पा रहे आप लोगों को। देखिए मसाले हमारे रखे हुए, जीरा है भुना हुआ, उसमें हल्की सी धनिया मिली हुई, काला नमक है, चिली फ्लेक्स है घर का, ये मक्खन है और काली मिर्च है, नींबू है। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे बटर लिया है, और बटर अगर ना लगाना चाहे तो स्किप कर दे। एक्चुअली सारी चीज़ों के लिए बोलेंगे, आप लोग इसमें कोई सा भी मसाला स्किप कर सकते हैं और जो है लगा भी सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है, आपके स्वाद के ऊपर है। देखिए मक्खन के साथ हमने मसालों को इस तरह लगाया हुआ है, यानी कि मेल्ट कर लिया चम्मच से चला चला के। अब नींबू से ना इसको इस तरह लगा लेंगे, जैसे नींबू नमक लगाते हैं नॉर्मली भुट्टों पर, वैसे लगा लेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहें तो निकाल के इनको बनाइए, जैसे कि भुट्टे निकाल लीजिए दाने इनके, और कटोरी में नमक मिर्च डाल के और जो है टमाटर प्याज डाल के भी बना सकते हैं। हम डायरेक्ट उसी पे लगा रहे हैं भुट्टे पे, इसको इस तरह नींबू में लगाइए और लगा दीजिए। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, भुट्टा आपका हल्का सा गर्म होगा तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बटर जब इसमें मेल्ट होगा जाके ना गर्म गर्म भुट्टे पे, तो टेस्ट डबल हो जाएगा इसका। और देखिए ऊपर से थोड़ा सा और लगा रहे हैं चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाते हैं, कोई नुकसान नहीं इसमें। आप लोग बना के खाइएगा, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे का वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिएगा। ये रेसिपी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी, एक बार खाइएगा फिर जरूर बताइएगा। और ये क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये रात की है, डिनर हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो ये देखिए दीपा बैठी है, इनके हस्बैंड है, ब्लैक शर्ट में जो आपको दिख रहे हैं दीपा के हस्बैंड है, मेरे छोटे नंदोई जी हैं। और दीपा की शादी पुणे में हुई है, तो मेरे नंदोई जी भी पुणे में रहते हैं, और इनका नाम भी नितिन जी है और हमारे बड़े नंदोई का नाम भी नितिन जी है। तो आए हुए हैं अभी और पूरे 1.5 साल बाद आए हैं। बाबू भी ब्लॉगिंग करेगा, ब्लॉगिंग करोगे मम्मी के साथ है ना? चलो है, हम लोग काम करते हैं। सबको नमस्कार बोल दो, आपको नमस्कार बोल दो, आप गुड इवनिंग बोल दो, है ना? क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, समर्थ जी को सारे लोग देख रहे हैं। बता दो सारा काम हो चुका है, दूध गर्म हो रहा है, मेरा दूध बॉयल हो रहा है, बता दो सबको, ऐसे दूध बॉयल करते हैं, बता दो।
और अभी समर्थ की मम्मा और मामी और समर्थ की दीदी क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी, मास्क लगाएंगी फेस पे, है ना। और समर्थ के पापा क्या कर रहे हैं, समर्थ के पापा यहाँ बैठे हैं फोन चला रहे हैं, और दीदी यहाँ बैठी है समर्थ की, है ना। जाओ दीदी पास जाओ, नहीं आएगा मामी पास, चलो हम लोग मास्क लगाते हैं फिर, है फिर खुलेगा समर्थ। 10:30 बज रहा है, 10:30, और ये नहीं सो रहे हैं, और ये है हमारा मास्क मसूर की दाल का, हमने आपके साथ शेयर किया है ये। अच्छा, और हनी, हाँ हनी, नींबू, हल्दी, चंदन पाउडर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर में वो इसमें ऐड करिए, इसको ठंडा करिए, कच्चा दूध मिला के रखिए और फिर लगाइए। मेरे साथ व्लॉगिंग करी है इसने, अभी व्लॉगिंग करी उसने, बताया आप लोग ऐसे मास्क लगाइए। नमस्ते, मास्क लगाना पसंद करेंगे, ये देखिए नहाना पसंद करेंगे, ये नहीं लगाना पसंद करेंगे। और ये नौमी बैठी हैं, ये नौमी के बेस्ट फ्रेंड बैठे हैं, ये मेरा बुआ है और इनका बुआ है। कोरोना वाला मास्क लगाना पसंद करेंगे। इस मेकअप के साथ आपको कौन पसंद आ रहा है आप कमेंट करिएगा। ये देखिए पास से देखिए आप लोग, और ये देखिए ये लगाओ। अरे वाह, गॉगल्स मिल गए, और यहाँ पे देखिए आधी रात को एसी की सर्विसिंग हो रही है, सर्विसमैन बुलाए गए हैं। एक्चुअली में आपको हाथ दिख रहे होंगे, अभी आपको दिखेगा कौन है ये, क्योंकि एसी ना बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रही। तो मेरे नंदोई जी ने बोला ना कि आप लोग देखिए घर में कोशिश करिए ना, या किसी को बुला लीजिए। तो आप देखिएगा अभी कौन आया है, और आधी रात को सब सारे काम हो रहे हैं, हम लोग मस्ती कर रहे हैं और बच्चे नहीं सो रहे थे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो बस देखिएगा, वीडियो इन्जॉय करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और देखिए चलते ही ना इन्होंने मुँह अंदर डाल लिया है। तो वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। मेहमान हुए बेहाल गर्मी से, बेटा ये लग जाएगा मुंह में, नहीं रात को 3 बजे सर्विस हो रही है, ठंडा लग रहा है। बासू लेटो, पापा ने फ्रिज बना दी, ₹300 फीस दीजिए, 350 पड़ेंगे, साथ में आए ना, 1 बज रहा है, सर को कोल्डिंग पिलाइए, सर को पेठा खिलाइए। रात में कौन आता है सर्विस करने, अभी पसीना आ रहा है। सही बात, सही बात, रात में कौन आता है, कूलिंग हो रही है। थैंक यू सर, वेलकम एंड हैव अ नाइस डे, लगा दे, गुड नाइट, हैव अ नाइस गुड नाइट, नाइस डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, मैं सोने जा रहा हूं, कूलिंग सही मिडल अपने, मिडल अपने।